चार्ज इनटू डिस्टेंस, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये डायपोल बन जाता है, एक ही बॉन्ड होगा तो वो पोलर होगा, और वो मॉलिक्यूल भी पोलर हो गया, तो एच एफ इज अ पोलर मॉलिक्यूल, एच एफ इज अ पोलर मॉलिक्यूल। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा उतना पोलैरिटी कम होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना पोलैरिटी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये जो भाई भाई के बीच में बॉन्ड होगा एच एच एन एन ओ, ये बॉन्ड कैसे होंगे बच्चों, नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, जीरो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है बच्चों यहाँ पे, जीरो। अंडरस्टूड एवरीवन? इतना समझ आ गया सबको? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि थोड़ा रोल आ जाता है यहाँ पे शेप का, जैसे CO2 है, अगर हम CO2 को डिस्कस करें, CO2 है, CO2 में भी इसमें दो दो डायपोल्स होंगे, क्या होंगे, दो दो डायपोल्स होंगे, एक तो कार्बन और राइट वाले ऑक्सीजन के बीच में, और एक कार्बन और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के बीच में, दोनों की डायरेक्शंस टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी। और इस केस में बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि CO2 का शेप क्या होता है, 180 डिग्री, तो जब एंगल 180 डिग्री होता है, परफेक्ट सिमेट्री होती है, तो डायपोल्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों डायपोल्स कैसे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल डायपोल मूवमेंट जीरो आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो दो तीर हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट डायपोल मूवमेंट विल बी जीरो। क्लियर एवरीवन? यस सर। म्यू ओवरऑल इज इक्वल टू जीरो एज बोथ डायपोल्स कैंसिल आउट ईच अदर। तो हम बोलेंगे कि बच्चों यहाँ पे बॉन्ड्स तो पोलर है, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, दोनों बॉन्ड्स पोलर हैं, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ठीक, इस तरह से हम पोलैरिटी चेक करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है, तो हम आज की क्लास के बाद, है ना, बता पाएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर, कौन सा नॉन पोलर, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये सब चीजें हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, शक्ल देख के, बंदे की स्ट्रक्चर देख के, शेप देख के। लीनियर शेप कैंसिल आउट हो गया परफेक्टली। दूसरा केस देखो, वाटर, वाटर आप पहले से भी जानते हो नॉन पोलर सॉल्व, सॉरी पोलर सॉल्वेंट है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसमें 180 डिग्री का एंगल है नहीं, इट डजेंट कंटेन 180 डिग्री वाला एंगल। ऑल राइट, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन क्या होगी डायपोल्स की, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। दो तीर आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर रहे, इनका नेट रिजल्टेंट आ जाएगा एक ऊपर की तरफ, है ना, ये सब आप थोड़ा पढ़ोगे अभी फिजिक्स में तो क्लियर हो जाएगा आपको, नेट रिजल्टेंट आ जाएगा एक ऊपर की तरफ, सो म्यू ओवरऑल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, म्यू ओवरऑल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो इन दिस केस। सो विल से वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट,
water is a polar molecule and it's a polar solvent. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर में क्या हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल, डिसॉल्व हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं. क्यों हो जाते थे याद है सबको? क्योंकि पानी पोलर सॉल्वेंट है. पानी जो है कैटायंस एंड आयंस को स्टेबल कर देगा. पानी कैटायंस एंड आयंस की बॉडी पे चिपक के उसको स्टेबल कर देगा. वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट. ये सब चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए. कोई डाउट हो तो पूछ लो. और आगे बढ़ते हैं. तो काम की बात यह है कि कोई भी बच्चों सिमेट्रिकल शेप्स होंगी, सिमेट्रिकल शेप्स होंगी, वो सारी की सारी नॉन पोलर आएंगी. तो सिमेट्रिकल शेप्स का मतलब मैं बताता हूं आपको. ऑल सिमेट्रिकल शेप्स आर नॉन पोलर. जिनका हम बॉन्ड एंगल मजे में बता पाते थे, इजिली बता पाते थे जिनका बॉन्ड एंगल, वो होती है वो होती है सिमेट्रिकल शेप्स. याद है सबको? हमने जब शेप बताया था, बॉन्ड एंगल बताया था, कई जगह बॉन्ड एंगल हमने खाली छोड़ दिया था कि यार इसका बॉन्ड एंगल नहीं बता सकते, इसका बॉन्ड एंगल बता सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल BF3 सिमेट्रिकल शेप है, परफेक्ट ट्राइंगुलर प्लेनर है, 120 डिग्री एंगल्स हैं. आप पढ़ोगे भी जब फिजिक्स में तो आप इसको इजिली निकालोगे. इसका डायपोल मोमेंट कि जीरो आएगा, नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो. फ्लोरीन्स पे नेगेटिव चार्ज, तीनों फ्लोरीन्स पे नेगेटिव चार्ज, बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज. पूछो यहाँ पे तीन डायपोल बनेंगे. कितने डायपोल्स बनेंगे? तीन. डायरेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव. और इसका न्यू ओवरऑल जो है जीरो आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है. और आप जैसे मैंने बताया पढ़ोगे फिजिक्स में कॉम्पोनेंट्स निकालोगे. क्या निकालोगे? कॉम्पोनेंट्स, है ना? अगर निकाल लिया हो तो बता देना, अभी तक पढ़ लिया हो तो. ये चीज कंपोनेंट्स निकालोगे cos 60 cos 60 करके. तो इसका cos 60, इसका cos 60. cos 60 आपको पता है हाफ होता है ना? तो ये तीन डायपोल्स हैं, तीनों की वैल्यू इक्वल है x x x. x का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में, x cos 60 इसकी डायरेक्शन में, x cos 60 x/2 मिलके x हो जाएगा. कैंसिल कर देगा इसको. क्या कर देगा? इसको कैंसिल. ठीक है, तो ये सब चीजें जब आप वेक्टर एडिशन सीख जाओगे तो इजीली समझ में आ जाएंगी. अभी आप सीधे सीधे याद रखो, ऑल सिमेट्रिकल शेप्स आर नॉन पोलर. बताओ जो समझ आ रहा है? क्लियर है ये रिशित? यस सर. देवयानी समझ आ रही है सबको बात? एनी डाउट सर? बट ये सिमेट्रिकल शेप है. क्या बोले बच्चे गोविंद सर? इसका मी ओवरऑल सर हमने जीरो लिखा सर, लेकिन ये तो मतलब सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल है तभी तो सिमेट्रिकल है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है गोविंद, क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे सर, है ना? तो डायपोल मोमेंट जब कैंसिल आउट हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? नॉन पोलर. ओवरऑल म्यू कितना हो जाएगा उसका? जीरो. आ रही बात समझ में? क्लियर. CCl4 परफेक्ट शेप, कोई लोन पेयर नहीं है, एंगल हम आराम से बता सकते हैं इसका. sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आप जानते हो. 109 डिग्री एंगल आता है इसका, 109.5 डिग्री. परफेक्ट शेप है. सारे जो डायपोल्स होंगे चारों के चारों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. नॉन पोलर मॉलिक्यूल, म्यू ओवरऑल इक्वल टू जीरो. PCl5 ऊपर नीचे वाले तीर एक दूसरे को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे. प्लेन वाले तीर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल BF3 की जगह की तरह. क्लियर एवरीवन? ऊपर नीचे वाले Cl कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और प्लेन वाले BF3 की तरह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे. ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा. म्यू ओवरऑल इक्वल टू जीरो. इस तरह से हम बताते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा. कौन सा नहीं है? SF4
सीसॉ शेप आती थी, कैसी शेप आती थी, सीसॉ। सॉरी SF4 शेप सबको याद है, सीसॉ शेप। यहां पे एक लोन पेयर होता था, ठीक, अनसिमेट्रिकल शेप है, समझ में आ रहा है बच्चों सबको, अनसिमेट्रिकल शेप है। ऊपर नीचे वाले फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल भी कर दें तो भी प्लेन वाले फ्लोरीन कैंसिल नहीं करेंगे, अनसिमेट्रिकल शेप, अंडरस्टूड। विल से इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल जिसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा, मी ओवरऑल नॉट इक्वल टू जीरो, डायपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे। सर कैसे सर, इसके अंदर सर सिमेट्रिकल तो है। अच्छा कैसे सिमेट्रिकल है, एंगल बता सकता है गोविंद तू इसका मेरे को? नहीं सर, मतलब इसके थ्रू अगर हम लाइन में मतलब सिमेट्रिकल ही होगा सर। लोन पेयर ने ऐसी तैसी कर दी थी, याद है, भूल गए, लोन पेयर दबा देगा अंदर की तरफ। ओके सर समझ गया, पक्का, ठीक है। चल तो ऊपर नीचे वाले फ्लोरीन को मान भी लेगी, दूसरे वाले ऊपर नीचे वाले फ्लोरीन ने कैंसिल कर दिया, लेकिन ये जो प्लेन वाले फ्लोरीन है वो कैंसिल हो रहे हैं क्या गोविंद? समझ में आ रही बात अच्छे, ठीक, याद रहेगा तो, है ना? यस सर। तो यार सिंपल सा फंडा है, सिमेट्रिकल का मतलब आप पढ़ोगे भी फिजिक्स में भी, अगर ये बी जो है, ये बी गोविंद है ना, और इसको तीन उसके दोस्त खींच रहे हैं इक्वल फोर्स से, है ना, एक इधर 120 डिग्री पे इधर, तो तेरी बॉडी पे गोविंद जो भी असर पड़ रहा हो, लेकिन तेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। समझ आ रही बात, भले तेरी कितनी भी ऐसी तैसी हो जाए लेकिन तेरा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा अगर मैं इक्वल फोर्स से तेरे को इन तीन डायरेक्शन में खींच रहा हूँ, तो तू बिल्कुल नहीं लेगा, तीनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दिस इज वेक्टर एडिशन। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक सर। आप आमने सामने खड़े होके एक दूसरे को ऊपर फोर्स लगाओ, कितना भी लगाते रहो अगर इक्वल फोर्स है तो नो डिस्प्लेसमेंट, है ना, जैसा CO2 में था, दो फोर्सेज इक्वल ऑपोजिट, फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सब आपको बताइए। डायपोल मोमेंट भी बिल्कुल फोर्स की तरह है। मैं आगे बात पूछूं, अब मुझे कुछ एग्जांपल्स बताते हैं ना, कौन पोलर कौन नॉन पोलर, अगर समझ में आ गया आप लोगों को तो, ICl3 CF4 शेप्स लिखनी है, बताना है कौन पोलर कौन नॉन पोलर, ठीक है, करो। ये चार sure. जी सर, इसका करना क्या है सर, लास्ट वाला बताना है कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर है कौन से नॉन पोलर, ओके सर, कैटेगराइज करना।
यस राइट ऋषित सही बता रहा है. फिर से उड़ गया ना बच्चों, क्या भाई मेरे शेयरिंग का ऑप्शन पता नहीं कहाँ उड़ जा रहा है. व्हाट सर? है. स्क्रीन दिख रही है, शेयरिंग हो रही है. वो यस सर. सेम जो हम पढ़ रहे थे उसी की सर आपका डेस्कटॉप दिख रहा है. डेस्कटॉप दिख रहा है ना, वो नहीं जा रहा है. एक सेकेंड.
हाँ जी, अब देख रहे हैं बच्चों, दिख रहा है ना यार, यस सर, यस सर, जबरदस्ती का टाइम वेस्ट हो गया। तो ICL3 कैसा आ रहा है बच्चों? शेप बनाई होगी आपने, बेंट टी, ठीक है गोविंद, इसमें तो क्या हो रहा है, ICL3 बेंट टी, इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा, याद है सबको शेप्स, कैसा हो जाएगा ये पोलर, शेप्स देख के आपको बस बताते जाना है कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। जहां पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, XCF2 कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर प्लेनर शेप आती है, ठीक है जो कैसी शेप आती है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप आती है तो नॉन पोलर। हाँ जी बताओ, किसी को कोई डाउट यार इसमें, एनीवन एनी डाउट? XCF2 लीनियर शेप आ जाती है, XCF2 की शेप कैसी आती है, लीनियर, तो शेप हमें बताती है यार कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, उसमें चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं या नहीं हो रही। अगेन नॉन पोलर, BrF5 स्क्वायर पिरामिडल कैसा हो जाएगा ये पोलर, कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना परफेक्टली, प्लेन वाले चारों पर भी देते कैंसिल, तो एक बॉन्ड तो बच रहा है वो तो कैंसिल नहीं हो रहा, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक, तो जो हमने बच्चों पहले शेप्स पढ़ी हुई है उन्हीं से हम पोलर नॉन पोलर बता सकते हैं सोच के कि कौन कैंसिल आउट होंगे, कहाँ पे शेप्स, कहाँ पे सारे बॉन्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट, एक मैंने आपको इसीलिए ये इसकी शेप भी बनवाई थी, BF3Cl2 और PF2Cl3, याद है सबको? बताओ विच वन इज पोलर विच वन इज नॉन पोलर आउट ऑफ दीज टू। ठीक है जो याद है इसमें क्या रूल था, इसमें कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम कहाँ रखते थे, ऊपर नीचे टांग देते थे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो जब मैंने आपको बताया था तब लिखवाया भी था कि ये सिमेट्रिकल है नॉन सिमेट्रिकल है, आप लोगों को याद होगा, फ्लोरीन ऊपर नीचे टांग दिए, ठीक है गोविंद, दो फिर भी एक फ्लोरीन बचा प्लेन में, क्लियर है बच्चों? ठीक, साफ साफ समझ में आ रहा है सबको, राइट वाला सिमेट्रिकल है बिकॉज प्लेन में तीनों क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन है, सिमेट्री है, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। ऑल राइट, दो साइड पे लोन पेयर हो सर, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, तो सर तब भी सर सिमेट्रिकल लेगी ना शेप? क्या क्या बोल रहे, फिर से बोल गोविंद। सर अगर दो साइड पे लोन पेयर हो तो तब भी शेप सिमेट्रिकल हो सकती है ना, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे तो? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी ऊपर तूने एक एग्जांपल, मैंने इसलिए ऐसे एग्जांपल्स भी कराए, XCF4 देखा तूने, कौन सा देखा, XCF4 देख ध्यान से, जब दो लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, इनफैक्ट तीन लोन पेयर, XCF2, XCF2 में तीन लोन पेयर सिमेट्रिकली लगे हुए हैं, ठीक है गोविंद समझ आ रहा है? ठीक है, यस सर, हाँ, तो XCF4 और XCF2 में देखो बच्चों लोन पेयर सिमेट्रिकली लगे हुए हैं, सिमेट्रिकली लगे हुए हैं, सब कुछ सिमेट्रिकल है तो नॉन पोलर हो गए, वहीं ICL3 में दो लोन पेयर हैं लेकिन वो सिमेट्रिकली नहीं लगे हुए, वो सिमेट्रिकली नहीं लगे हुए तो उन्होंने मॉलिक्यूल की भी सिमेट्री की ऐसी तैसी कर दी, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं रहा तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया, क्लियर बच्चों? दिस इज द वे टू फाइंड विच वन इज पोलर एंड विच वन इज नॉन पोलर। ओके, तो इसमें भी सिमिलरली राइट वाला हो गया हमारा नॉन पोलर सिमेट्रिकल, लेफ्ट वाला हो गया पोलर। ऑल राइट,
और एग्जांपल्स देखो, ऑर्गेनिक में कुछ एग्जांपल्स ऑर्गेनिक से आएंगे उठ के, बताओ यार कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। सर पहला वाला पोलर है, सॉरी नॉन पोलर है। हाँ ना? यस बिल्कुल सही बात, पहला वाला उल्टा बोल दिया तूने, है ना? पहला वाला नॉन पोलर है। जहाँ कैंसल आउट हो रहा है वो नॉन पोलर। ओके ठीक है चो, तो आपको कैसे, ये एक क्लोरीन का डायपोल ऊपर की तरफ, ठीक है गोविंद, नीचे वाले क्लोरीन का डायपोल नीचे की तरफ, डायपोल्स की डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप जब वेक्टर एडिशन सीख जाओगे ना, तब और ज्यादा आप इजिली ये सब चीजें सोच पाओगे। यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, और यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल आ रहा है। क्लियर एवरीवन? तो डायपोल मोमेंट राइट वाले का ज्यादा होगा, ये म्यू इक्वल टू जीरो, नॉन पोलर डायपोल मोमेंट राइट वाले का ज्यादा, एंड डायपोल मोमेंट पर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर बच्चों? इस टाइप के जो आइसोमर्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? आइसोमर्स, जिनका फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों आइसोमर्स हैं, सेम फॉर्मूला बनेगा दोनों का, स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम आइसोमर्स, इन आइसोमर्स में राइट वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेफ्ट वाले का कम है। क्लियर एवरीवन? लास्ट एग्जांपल इसमें देखो, ऑर्गेनिक से ही है वो भी, ये भी बच्चों आइसोमर्स आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में। सिस ट्रांस, एक सिस होता है, सो सिस टू ब्यूटीन बोलते हैं, सिस टू ब्यूटीन, और राइट वाले को बोलते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन, बोथ आर टू ब्यूटीन। टू ब्यूटीन तो आप लोग समझते हो मेरे ख्याल से, है ना? इतना तो आपने 10th में ही पढ़ा है नॉमेनक्लेचर, टू ब्यूटीन, दोनों टू ब्यूटीन है, एक पहला को, पोलर एंड दूसरा नॉन पोलर। हाँ तो एक को बोलते हैं जो सिस टू ब्यूटीन है, और एक को बोलते हैं ट्रांस। समझ में आ रही बात? ये सब नाम आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, अभी से थोड़ा सा इनसे इंट्रोडक्शन हो गया। ट्रांस मतलब ये ऐसे ट्रांस, ऑल्टरनेट पोजिशन पे। सिस मतलब व्हेन सेम ग्रुप्स आर सेम साइड, सिस, सो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, CH3 CH3 एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। क्लियर एवरीवन? तो सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, एंड सिस का ही फिर इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। डायपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा आ रहा है बच्चों? सिस का। समझ में आ रही सबको बात? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, CCl4 CHCl3 और CH2Cl2। सर ट्रांस टू ब्यूटेन जो है सर वो सिमेट्रिकल नहीं है ना? ट्रांस टू ब्यूटेन क्या बोल रहे हैं? जो ट्रांस टू ब्यूटेन है सर वो सिमेट्रिकल नहीं है ना? सिमेट्रिकल है ना, कैंसिल आउट कर रहे हैं ना CH3 CH3 एक दूसरे को। सर फिर सिस टू ब्यूटेन क्यों नहीं सिमेट्रिकल? सर ज्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है।
फिर कुछ सिमेट्रिकल का मतलब वो भी है ना कि कौन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सी एस थ्री देख बिल्कुल इसमें है ना वैसे बिल्कुल यार नॉर्मली सोचा कर कि वहां पे यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ धक्का मार रहा है, इधर से एक बंदा खड़ा हुआ धक्का मार रहा है, ये दोनों सेम बंदे हैं, सेम डायरेक्शन में धक्के मार रहे हैं नहीं मार रहे, ये बता मेरे को। यस सर। तो उनके जो फोर्स लगी वो कैंसिल आउट होगी नहीं होगी? होगी सर। अब समझ में आया? ठीक है, सिमेट्री के तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना सिमेट्री देखने के। अब तू ऐसे सिमेट्री देख रहा है कि दोनों सेम साइड, अब तू ये देख कि ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा है, एक बंदा ऐसे फोर्स लगा रहा है, एक बंदा ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रही है, नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगी। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। जैसे ये C4 एंड बाकी सब में हमने को कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं। कंपेयर डायपोल मोमेंट, किसका ज्यादा किसका कम, कंपेयर करो खुद से सोच के एक बार, फिर मैं बताऊंगा शेप्स वगैरह बना के ट्राई करो एक बार। तो इसमें बच्चों आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। डायरेक्शंस सोचनी है आपको, ना क्या सोचनी है? डायरेक्शंस। तो CCl4 चारों बॉन्ड्स की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? Cl की तरफ। सबकी जो डायपोल मोमेंट होगी किधर की तरफ होगी? Cl की तरफ। ठीक है गोविंद, समझ में आ रहा है? सीएल खींच रहा है, चारों सीएल मिलके अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पे थोड़ा सा उल्टा होगा, आपको पता है हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो मैंने आपको बताया था अभी बच्चों की डायरेक्शन हमें किधर की तरफ लगानी है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। तो टूवर्ड्स कार्बन लगाया मैंने डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? इधर कार्बन हाइड्रोजन में ऐसे लगाया और नीचे वाले कार्बन हाइड्रोजन में ऐसे, टूवर्ड्स कार्बन। बताओ जो ये सबको समझ आया मैंने क्या किया है? किसी को कोई डाउट है यार बता दो। ठीक है ऋषित, गोविंद समझ आ रहा है? हर्षमृत, एनी डाउट? No doubt, sir. अब आप सोच सकते हो कि यार इसमें CCl4 में तो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक, फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली तीन फोर्स को मिला के कैंसिल आउट कर देगी। CHCl3 में लेकिन सब एक ही डायरेक्शन में आ गए, सब किस डायरेक्शन में आ रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में। तो ये एडअप होंगी इस बार, बच्चों बात समझ आ रही है ना? तो फोर्स की तरह सोचो आप,
डायपोल मोमेंट को, वेक्टर एडिशन आप जब सीख जाओगे और इजी हो जाएगा, लेकिन अभी आप फोर्स की तरह सोचो, कार्बन को तीनों सीएल मिलके खींच रहे हैं, CHCl3 में क्या हो रहा है, सीएल नीचे खींच रहा है, HB नीचे ही धक्का दे रहा है, तो सेम सेम डायरेक्शन में फोर्सेस काम कर रही है, अंडरस्टूड एवरीवन? तो CHCl3 का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा, CH2Cl2 में दो हाइड्रोजन वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, डायरेक्शंस से हम ऐसे ऑर्डर निकाल सकते हैं डायपोल मोमेंट का, ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ये आ गया। क्लियर है बच्चों सबको, समझ में आ रही मेरी बात? एनी डाउट? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी बनते हैं कंपेयर करने वाले, डायपोल मोमेंट वाले मिल जाएंगे आपको। हो जाएगा ये बच्चों, समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? ये सब चीजें थी, डायपोल मोमेंट होता क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, उनको कंपेयर कैसे करते हैं। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, फजान रूल से बच्चों हमने आयनिक आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट करेक्टर पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड्स में क्या पढ़ा था, कोवेलेंट करेक्टर। अब यहाँ पे हम देखेंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, तो पहली बात तो यही होगी यार कि है ना, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मान लिया आपसे कोई बोले HF और HO किस बॉन्ड में आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, कंपेयर करना बहुत आसान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा बच्चों उतना ज्यादा चार्ज आएगा, उतना ज्यादा क्या आएगा, चार्ज आएगा, है ना? तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर HF बॉन्ड में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू HO बॉन्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? So percentage ionic character in covalent bond directly proportional to charge, directly proportional to electronegativity difference, okay? NH3 और NF3 में किस में ज्यादा होगा, NH3 और NF3? नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बहुत कम, नाइट्रोजन और फ्लोरीन तो कुछ इक्वल आसपास स्टक करके हो जाते हैं, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर या बॉन्ड पोलैरिटी, परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी एक तरह से बॉन्ड पोलैरिटी जैसे ही हो गया, कंपेयर करना हो तो वही हमने करना है। क्लियर है बच्चों इतना? ओके, अब एक चीज इसमें समझना ध्यान से, एक न्यूमेरिकल बनता है यहाँ पे छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन है ना एनसीईआरटी में भी बहुत जगह है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर को कैलकुलेट करना है ना, कैसे करते हैं कैलकुलेट वो देखना है आपको।
अगर बच्चों 100% आयनिक करेक्टर हो, 100% आयनिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा चार्ज आ जाए प्लस वन माइनस वन, उसको बोलते हैं 100% आयनिक करेक्टर। प्लस वन चार्ज माइनस वन चार्ज, पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, आयनिक बॉन्ड समझते हो आप, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। लेकिन यहाँ पे पार्शियल चार्ज आ रहा है, कैसा चार्ज आ रहा है, पार्शियल। तो बच्चों जितना परसेंटेज चार्ज आ रहा है आउट ऑफ वन, जितना फ्रैक्शन चार्ज आ रहा है आउट ऑफ वन, वो ही परसेंटेज आयनिक करेक्टर कहलाता है। वो ही क्या कहलाता है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। मतलब 100% आयनिक करेक्टर तो तब होगा जब प्लस वन चार्ज आया, ठीक है। मान लिया मैंने बोला प्लस वन बाय थ्री चार्ज आ रहा है हाइड्रोजन पे, माइनस वन बाय थ्री चार्ज आ रहा है फ्लोरीन पे, क्या है इसका मतलब, परसेंटेज आयनिक करेक्टर हो गया 1/3 × 100, है ना, कि 1 में से 1/3 चार्ज आ रहा है, मतलब 33.33%। मेरी बात समझ आ रही है? सो परसेंटेज करेक्टर, आयनिक करेक्टर इज नथिंग बट फ्रैक्शनल चार्ज। ये जो पार्शियल चार्ज लिख रहे हैं वो कितना आ रहा है आउट ऑफ चार्ज 1, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन into 100। समझ में आ रही बात सबको? एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट? तो ये फ्रैक्शनल चार्ज कैसे निकालें, इसका बहुत आसान सा जुगाड़ है हमारे पास, ठीक है बच्चों, उसका बहुत आसान सा जुगाड़ है। इस फ्रैक्शनल चार्ज को जब हम बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बॉन्ड लेंथ से। सर एक बारी वापस ऊपर जा सकते हो? ऊपर हां जी सर, ठीक है। रोबिन समझ आ रहा है, कोई दिक्कत बता दो भाई, कहां से मिस हो गया तेरा, बता। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई बच्चों कि हमें अगर परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना हो तो हमें फ्रैक्शनल चार्ज चाहिए, और इस फ्रैक्शनल चार्ज को हम, इस फ्रैक्शनल चार्ज को नहीं निकाल सकते हम, इस हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट, डायपोल मोमेंट मेजर कर सकते हैं किसी बॉन्ड का, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको थोड़ी ना मेजर करना है, आपको एक्चुअल डायपोल मोमेंट गिवन होगा एच एफ बॉन्ड का। क्या गिवन होगा बच्चों, एक्चुअल डायपोल मोमेंट गिवन होगा एचएफ बॉन्ड का। अंडरस्टूड एवरीवन? तो फ्रैक्शनल चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ करोगे आप, और नीचे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको भी बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे इनटू 100, ये होगा हमारा, ये होगा हमारा परसेंटेज आयनिक करेक्टर। All right, और फ्रैक्शनल चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ होता है म्यू एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके जो डायपोल मोमेंट आ रहा है वो। अंडरस्टूड? डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल गिवन होगा आपको एचएफ बॉन्ड का, अंडरस्टूड? वो गिवन होगा आपको, नीचे क्या रखना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ गिवन होगी आपको एचएफ बॉन्ड की। ये सब कैलकुलेशन करके आता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। बताओ जो समझ में आया सबको, फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, एनी डाउट एनीवन? जी बताओ, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन? ऋषित समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? तो अभी मैं एग्जांपल करके बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। और देवयानी एनी डाउट? आवाज आ रही है? नो डाउट सर। ठीक है, नो डाउट सर। तो जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम निकालते हैं म्यू एक्सपेरिमेंटल आपको गिवन होगा। ऑल राइट, बस आपको एक चीज बस इसमें ध्यान रखनी है, नीचे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 × 10^-19 कूलम,
बॉन्ड लेंथ आपको दे देंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। बस आपको एक चीज याद रखनी है, डी बाय यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, है ना। कई बार आपको म्यू एक्सपेरिमेंटल डी बाय में देंगे और उसका कन्वर्जन आपको याद रखना है, बस क्वेश्चन करते वक्त उसका कन्वर्जन आपको याद रखना है इन एसआई यूनिट कूलम मीटर्स। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम इनटू मीटर, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, डायपोल मोमेंट का बॉन्ड लेंथ इनटू डिस्टेंस, सॉरी चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ या चार्ज इनटू डिस्टेंस, सो कूलम इनटू मीटर्स। क्लियर करो क्वेश्चन पर इसके बाद पे। फिर बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या आएगी, अब वो है ना तेरे को दे रखा हो किसने भी देख, तू पिकोमीटर भी आता है तेरे को, एंगस्ट्रॉम भी आता है तेरे को, तेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, मैंने क्या बोला मीटर में, ओके सर, सबको तू इसमें कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है रिशित, यस सर। करो कुछ एक क्विक बार, आंसर गड़बड़ ना गया, व्हाट सर, हैं सर गड़बड़ ना जाए, देख लेना एक बार, ठीक है इतने तो डेटा थोड़ा चेंज कर देंगे, ऐसे बनाया है डेटा भी, है ना, ट्राई करो एक बार इसको कैलकुलेट परसेंटेज आए नहीं करेक्ट इन एच एफ। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है डेटा मेरे को, इसको आप एंगस्ट्रॉम कर दो, चलो अब देखो आंसर क्या आ रहा है।
जी आंसर आ गया छो सर 0.2% आ रहा है कितना 0.2 अप्रोक्सीमेटली 0.2% इतना कम आ रहा है पहले ही डेटा अच्छा था क्या चलो ट्राई करते हैं तो फॉर्मूला क्लियर है जो सबको म्यू एक्सपेरिमेंटल इज 2 डी बाय 2 इंटू 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर ठीक है ये करना है और परसेंटेज आयनिक करेक्टर क्या हो जाता है म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन है ना अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम इंटू 200 एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर ऑल राइट इंटू 100 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था देवयानी दिस विल बी द परसेंटेज ठीक है बच्चों समझ में आ रही सबको बात तो क्या आ जाएगा यार ये आएगा 6.66 अपॉन 3.2 ऊपर एक 10 एक्स्ट्रा आएगा ना हाँ ऊपर 10 की बार -30 नीचे 10 की बार -29 अच्छा ऊपर 10 की बार -1 ही आ रहा है ओके तो बहुत बेकार सा डेटा आया एज एक्सपेक्टेड 0.2 के आसपास परसेंटेज ठीक है तो यही है हम अगर इसमें वो रखते क्या रखते पिकोमीटर ही रखते तो 20% के आसपास आ जाता है ना तो ये हमने डेटा में कुछ गड़बड़ कर दी क्लियर है बच्चों समझ में आ गया तरीका सबको लेकिन ठीक है अगर हम पिकोमीटर में रखते तो वो 20% के आसपास आ जाता है एनी करेक्टर ठीक है गोविंद एनी डाउट फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे चिपकाना है यस सर बताओ जो कोई डाउट कोई दिक्कत किसी को ऊपर रखना है म्यू एक्सपेरिमेंटल जो आपको गिवन होगा डिवाइ में उसको कन्वर्ट कर देना बस कूलम मीटर से और नीचे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बॉन्ड लेंथ ठीक ठीक है रिशित समझ आ गया एनी डाउट एनीवन तो ये है बच्चों फॉर्मूला परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का इससे ठीक है तो ये आपकी काफी सारी चीजें होगी बॉन्ड पोलैरिटी हो गई ये सब आपको समझना समझ में आना चाहिए कौन मॉलिक्यूल पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा हम शेप देख के बता रहे हैं ना उसके बाद बस इस चैप्टर में हमको एक एक क्लास और लगी एक से डेढ़ क्लास और लगी उसमें फिर ये चैप्टर आपका बड़ा सा चैप्टर खत्म ओके तो क्वेश्चन करते रहो मैंने आपको कल भी क्वेश्चन भेजे थे शायद कुछ ट्राई करो उनको सब लोग है ना और मिल जाएंगे इसके ऊपर भी परसेंटेज आने करेक्टर वगैरह के ऊपर भी है ना तो कीप ट्राइंग क्वेश्चंस क्लियर एवरीवन ओके बाय थैंक यू सर